आज मैं आपसे एक ऐसे फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें आपको ना सिम कार्ड डालने की ज़रूरत है, ना ही कोई ई सिम डालने की ज़रूरत है, ना ही कोई वायर कनेक्शन की ज़रूरत है, और आप बिना किसी सिम कार्ड के या फिर बिना किसी टेलीकॉम ऑपरेटर से सर्विस लिए बिना आप उसमें कॉलिंग कर पाएंगे, साथ ही साथ में इंटरनेट भी यूज़ कर पाएंगे। 2020 में जब कि कोविड के समय में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आज के समय में इंटरनेट होना एक बहुत ज़रूरत बन गई है स्मार्टफोन में। जब स्टार्टिंग में फ़ोन्स आए थे तो हमें कॉल रिसीव करने के लिए भी पैसा देना पड़ता था, फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली, फ़ोन में इंटरनेट आने लगा, जियो ने आने के बाद सब कुछ ही बदल दिया, उसने फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की, तो एक नॉर्मल इंसान भी अच्छे से इंटरनेट यूज़ करने लगा, साथ ही में और भी नॉलेज वो गेन करने लगा। आज हम बात करने वाले हैं वॉक फाई के वॉक वन फ़ोन के बारे में, जो कि क्लेम करता है कि वो किसी भी सिम कार्ड के बिना या फिर किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के बिना हम उसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। वॉकफाई एक कंपनी जो कि 2017 में चालू होती है, उनकी एक टैग लाइन है कि वी बिलीव इन इंटरनेट फ्रीडम। वो चाहते हैं कि सभी लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, वो भी आसान तरीके से, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है, कैसे हम बिना सिम कार्ड के इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। बेसिकली जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, आपके घरों में वाईफाई राउटर होता है जो कि किसी इंटरनेट प्रोवाइडर से कनेक्टेड होता है, साथ ही में उस वाईफाई राउटर से आप अपने सारे फोन्स को कनेक्ट करते हो। तो इसी आइडिया को यूज़ करके वॉकफाई ने सोचा क्यों ना इस आइडिया को एक बड़े लेवल पर लेके जाएं और मोबाइल फोन्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जिसमें सिम कार्ड की ज़रूरत ना पड़े और सभी लोग आपस में कनेक्ट भी हो पाएं। वॉकफाई ने बोला कि उनके बहुत सारी जगह, कई जगह बड़े बड़े राउटर्स लगे होंगे, कई के वॉक फोन्स के यूज़र हैं, वो सारे यूज़र उस मेन राउटर से कनेक्ट होंगे। इस तरह से क्या होगा कि एक राउटर से कनेक्ट होंगे, वो राउटर किसी और से कनेक्ट होगा, फिर वो राउटर जाके इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो इस तरह से पूरा एक सिचुएशन होगी कि सारे लोग कनेक्ट हो पाएंगे। अब मान लो आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में वॉकफाई का राउटर के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्योंकि वॉकफाई ने बोला कि उनका जो राउटर है वो 0.5 माइल या फिर 1 माइल तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। अगर आसपास में कोई वॉकफाई का राउटर ही ना हो तो कैसे काम चलेगा? तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़र्स होंगे उन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, हर फोन एक मिनी राउटर की तरह काम करेगा। मान लो एक फ़ोन किसी मेन राउटर से कनेक्टेड है, तो अगर और एक और फ़ोन है जो कि डायरेक्टली मेन राउटर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो एक दूसरे वॉक फोन से कनेक्ट हो जाएगा और वो वॉक फोन जाके मेन राउटर से कनेक्ट होगा, तो इस तरह से सभी लोग आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। आइडिया तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई हैं। पहली प्रॉब्लम आती है फ्रीक्वेंसी बैंड्स की। जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा कि जो भी सिम कार्ड्स होते हैं या फिर 4G 5G 3G नेटवर्क होते हैं, वो किसी एक फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं। इसी तरह से जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है उनके लिए काफ़ी सारे लाइसेंस वगैरह करवाने पड़ते हैं, तो हो सकता है कि इस सब का लाइसेंस ना मिले। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि वो जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं उन पर वॉकफाई काम करेगा, तो इससे हो सकता है कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड ना हो पाए, क्योंकि जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड था 900 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास 2G के टाइम पे वो सारे बैंड्स यूज़ हुआ करते थे। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है स्पीड की। तो इतने सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे तो हो सकता है कि स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि आपस में सारे फोन्स को कनेक्ट हो सकते हैं, तो इससे ये होगा कि जितने ज़्यादा फोन्स होंगे उतने अच्छी कनेक्टिविटी होगी, लेकिन साथ में हर डिवाइस की एक लिमिटेशन होती है, तो जो वॉकफाई के मेन राउटर्स लगे होंगे उनकी भी कुछ लिमिटेशन होगी कि उन पर एक साथ अगर इससे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें स्पीड या फिर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है देखने को मिल सकती है। अगली प्रॉब्लम जो वॉक फोन के यूजर्स फेस कर सकते हैं वो है बैटरी की प्रॉब्लम। जैसा कि वॉकफाई की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि जो वॉक फोन 1 आने वाला है उसमें जो बैटरी होगी वो 3700 mAh की होगी, तो ये कोई ज़्यादा बैटरी नहीं होती, क्योंकि आज के टाइम में देखें तो 7000 mAh तक के फ़ोन्स मार्केट में आ रहे हैं। और साथ ही में वॉकफाई बोलता है कि जो हर जो मोबाइल होगा वो एक मिनी राउटर की तरह भी काम करेगा, जिसे कि हॉप बोल रहे हैं। अगर हमारा फ़ोन भी एक मिनी राउटर की तरह काम करेगा तो उसमें भी बैटरी हमारी ड्रेन होगी, तो इससे बैटरी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखने को मिलेगा कि वॉकफाई के जो फ़ोन हैं हो सकता है ज़्यादा लंबे टाइम तक ना चलें, लाइक वो एक पूरा दिन भी बैटरी प्रोवाइड ना कर पाएँ। आज के टाइम में जो सबसे मेन प्रॉब्लम सभी लोग फेस कर रहे हैं वो है डाटा प्राइवेसी की। तो हो सकता है कि अगर बहुत सारे यूज़र्स वॉकफाई के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वॉकफाई के पास एक पावर आ जाएगी ना कि इतने सारे यूज़र्स को कंट्रोल करने की, लाइक वो अपने फ़ोन में कोई ऐड दिखा सकता है या फिर कैसे भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो एक ये वाला ये प्रॉब्लम भी है। साथ ही में इतने सारे लोग फ़ोन यूज़ करेंगे वो अपनी कॉलिंग भी उसी से करेंगे, साथ ही में इंटरनेट भी वो उसी से यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि
वॉकफाई उनका डाटा कलेक्ट करे उसे किसी और तरीके से यूज करें। वॉकफाई डाटा को कंस्ट्रक्टिवली भी यूज कर सकता है, साथ ही में डिस्ट्रक्टिवली भी यूज कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो वॉक वन फोन आएगा किस स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। जो हम सबसे ज्यादा आज के टाइम में देखते हैं या फिर किसी भी स्मार्टफोन में हम देखते हैं वो है उसकी डिस्प्ले। तो वॉकफाई की वेबसाइट पे मेंशनड है वॉक फोन वन फुल एचडी एलसीडी डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जो कि एक 6.2 इंच का डिस्प्ले पैनल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है एक नॉर्मल यूजर के लिए, वो आती है बैटरी, कि उसका फोन लंबे से लंबे टाइम तक चले और चार्ज ना करना पड़े। जो बैटरी है वॉक फोन में वो होने वाली है 3700 mAh की, जो कि एक बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल बैटरी होगी, बहुत ज्यादा अच्छा हमें बैटरी बैकअप प्रोवाइड नहीं करेगी। इसके बाद बात आती है कैमरा की। उनकी वेबसाइट पे ये नहीं लिखा हुआ सेल्फी कैमरा होगा नहीं होगा या लेकिन जो इमेजेस उस फोन की दिखाई गई हैं उसमें एक सेल्फी कैमरा है जो कि मेंशनड है, वो है 16+16 का डुअल कैमरा सेटअप होने वाला है वॉक वन फोन में। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर की, जिससे कि वॉक वन फोन जो होने वाला है वो किस तरह की परफॉर्मेंस यूजर को प्रोवाइड करने वाला है। तो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि उसमें स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर हो सकता है। आज के टाइम में 2020 में स्नैपड्रैगन का 875 प्रोसेसर रिलीज होने वाला है और वो उनके फोन में होगा स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर, जो कि आज से 2 साल पुराना प्रोसेसर है। साथ ही में उनके फोन में 4GB रैम आने वाली है और एंड्रॉइड 9 पे बेस्ड होगा। अभी कुछ दिन पहले एंड्रॉइड ने अपना एंड्रॉइड 11 लॉन्च कर दिया है और वो अपने फोन में एंड्रॉइड 9 देने वाले हैं। चार्जिंग की बात करें तो उनकी वेबसाइट पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि कितनी फास्ट चार्जिंग होगी या नहीं होगी, बस इतना मेंशन है कि उसमें एक USB-C टाइप पोर्ट होगा। उनके फोन में जो स्टोरेज वो प्रोवाइड करने वाले हैं वो कि 64GB या फिर 256GB का प्रोवाइड करेंगे, जो कि UFS 2.1 बेस्ड होगा, जो कि बोल सकते हैं कि मिड रेंज के हिसाब से डिसेंट है। वॉक वन फोन का जो प्राइस है वो $499 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सस्ता फोन नहीं होने वाला, ये काफ़ी ठीक ठाक 40-45 हज़ार तक के प्राइस रेंज में आने वाला है। कनेक्टिविटी के बारे में देखें तो उन्होंने बोला कि मान लो रिमोट एरियाज में कोई वॉकफाई का फ़ोन या फिर वॉकफाई का राउटर कनेक्ट नहीं हो पाता है तो अपने फ़ोन में एक सिम कार्ड का स्लॉट भी देने वाले हैं, जो कि आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो अगर आपका सिम कार्ड में प्लान है और वो अगर वर्किंग सिम कार्ड है तो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मैं हूँ अभिषेक कुमार, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं टेक्नोलॉजी की वीडियोस नई नई लाता रहूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय।